हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडीइंग पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दैट इज असम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसके ऊपर पूरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वर्क करेगा बेटा. पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दैट इज अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. वंस वी आर डन विद दिस, हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे. सो राइट नाउ अजम्पशंस जो है उसे मैं दो सेक्शन में स्प्लिट करूंगा. फर्स्ट हम पढ़ेंगे अजम्पशंस दैट आर रिलेटेड टू नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एंड देन हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स रिलेटेड टू रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद पोस्टुलेट्स, दैट इज अजम्पशंस रिलेटेड टू नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. Okay, so first postulating that a gas consists of large number of tiny particles called as molecules. Okay, a gas consists of large number of tiny particles, and वो हर एक particle को हम बोलेंगे बेटा molecule. Okay, अब ये molecule of gas कैसे होंगे बेटा, तो मैं बोलूंगा the molecules of gas are rigid and perfectly elastic spheres of very small diameter. First point में बेटा हमने सीखा that जो molecules होंगे वो tiny होंगे. सेकेंड पॉइंट में हम बोल रहे हैं इस वजह से उनका जो डायमीटर है दैट विल बी वेरी स्मॉल. ओके, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर्स जिनका डायमीटर इज डेफिनेटली वेरी स्मॉल. ओके, थर्ड पोस्टुलेट, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम गैस are identical in their shape, size and mass. All the molecules of the same gas are identical in terms of their shape, size and mass. एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एंड दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, दोनों का शेप सेम, साइज सेम, दोनों का मास सेम. एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल एंड दूसरा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, दोनों का शेप सेम, साइज सेम, मास आल्सो डेफिनेटली सेम. बेटा यू कैन नॉट कंपेयर नाइट्रोजन विथ ऑक्सीजन. नाइट्रोजन का शेप, साइज, मास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मैच नहीं करेगा बेटा. नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का जो शेप, साइज एंड मास है वो सिर्फ नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से ही मैच करेगा, एंड जो हाइड्रोजन का होगा वो हाइड्रोजन से मैच करेगा, ऑक्सीजन का होगा वो ऑक्सीजन से मैच करेगा. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ मैच नहीं होगा. सो ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम गैस आर आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ देयर शेप, साइज एंड मास. फोर्थ पोस्टुलेट,
actual volume occupied by the gas molecules is very small as compared to the total volume occupied by the gas. Actual volume occupied by the gas molecules is very small as compared to the total volume occupied by the gas. इसको स्टूडेंट्स डायग्राम से समझते हैं. आई एम ड्रॉइंग स्टॉप एक्शन फोटोग्राफ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर. ये मैंने कंटेनर ड्रॉ किया. इसमें हम गैस मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बेटा इन केस ऑफ सॉलिड जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है वो सबसे कम होता है. उससे ज्यादा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है लिक्विड में एंड सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है गैस में. सो इन केस ऑफ गैस जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है. ओके सो स्टूडेंट्स ये जो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम है, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम, पूरे वेसल का वॉल्यूम, इसे हम कहेंगे टोटल वॉल्यूम. सेम साइज है ना बेटा दोनों का. तो ये जो टोटल वॉल्यूम है इसका मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. सो कंटेनर के वॉल्यूम को हम नाम देने वाले हैं टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, राइट. अब बेटा ये जो टोटल वॉल्यूम है इसमें तो गैस मॉलिक्यूल्स का जो सचमुच वॉल्यूम है प्लस जो वॉइड स्पेस का वॉल्यूम है दोनों आ गया. अगर हम वॉइड स्पेस को हटा दें सो कांट आई से गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा वो हार्डली इतना होगा. सो दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, राइट. तो बेटा बिकॉज ऑफ वॉइड स्पेस जो टोटल वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा हो गया. अगर हम वॉइड स्पेस को हटा दे सो जो गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा सच में दैट इज एक्चुअली वेरी स्मॉल. दैट मींस एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस. ये है आपका बेटा फोर्थ पोस्टुलेट रिलेटेड टू नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. नाउ वी कैन डू पोस्टुलेट्स रिलेटेड टू random motion of gas molecules. Postulates related to random motion of gas molecules. Recently मैंने आपके सामने stop action photograph draw किया था जिसमें I have shown number of gas molecules in a container. Right now I am going to concentrate only on one molecule. उसके motion को हमें समझना है. ये मैं container draw कर लेता हूं. एक gas molecule यहां present है. In case of gas, जो intermolecular distance है बेटा वो बहुत ज्यादा है. मतलब ये जो gas molecule है वो यहां से लेके यहां तक travel कर सकता है ना. When it reaches over here, it undergoes collision with another gas molecule. After collision, what will happen? Change its path.
अब जैसे ही ये गैस मॉलिक्यूल यहां पहुंचता है स्टूडेंट्स, इट अंडरगोस कोलिजन विद अनदर गैस मॉलिक्यूल। सो कोलिजन के बाद देयर विल बी चेंज इन इट्स पाथ। अब जब ये गैस मॉलिक्यूल यहां पहुंचा बेटा, सो ये जिस कंटेनर में रखा गया है वो कंटेनर के वॉल के साथ कोलाइड कर रहा है। आफ्टर कोलिजन व्हाट विल हैपन? चेंज इट्स पाथ। इट रीचेस ओवर हियर, कोलिजन, वापस क्या होगा बेटा? चेंज इट्स पाथ। सो कोलिजन चेंज इट्स पाथ, कोलिजन चेंज इट्स पाथ। बेटा इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं रैंडम मोशन। आप इसे सिंपल टर्म्स में कह सकते हो जिगजैग मोशन। कुछ टीचर्स इस रैंडम मोशन को और एक नाम देते हैं ब्राउनियन मोशन। रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन, ब्राउनियन मोशन, ये हमारे गैस मॉलिक्यूल के मोशन की तारीफ हो रही है। गैस मॉलिक्यूल इज एग्जीक्यूटिंग रैंडम मोशन स्टूडेंट्स। नाउ लेट मी रिमाइंड यू, दिस इज ओनली ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल बेटा। ऐसे और जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स है सबका सिचुएशन इसके जैसा ही होगा। हमने पढ़ा बेटा, अ गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। ये तो सिर्फ हमने एक का डायग्राम रिप्रेजेंट किया, रैंडम मोशन हमने दिखाया बेटा। लुक एट दिस मच मोशन, कैन आई से दिस मच इज ट्रांसलेशनल मोशन, दिस मच ट्रांसलेशनल मोशन, दिस मच ट्रांसलेशनल मोशन, दिस मच ट्रांसलेशनल मोशन, दिस मच ट्रांसलेशनल मोशन। बट कैन आई से ओवरऑल दिस इज ट्रांसलेशनल मोशन? ऑब्वियसली नो, ओवरऑल दिस इज रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन बेटा, यानी ब्राउनियन मोशन। इफ आई से बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन देन इट इज ट्रांसलेशनल, ओके, बट ओवरऑल इफ यू थिंक इट इज डेफिनेटली रैंडम मोशन बेटा। सो राइट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग ऑल द पॉस्टुलेट्स विच आर रिलेटेड टू रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। द गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज, ऑलवेज पे ध्यान देना बेटा, इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, ऑलवेज, दैट इज दे मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस with all possible velocities that is they move in all possible directions with all possible velocities students इस state को एक नाम दिया जाता है molecular chaos। The gas molecules are always in a state of random motion. That is, they move in all possible directions with all possible velocities. This state is also called as molecular chaos. Now, when I say all possible directions, हम कह सकते हैं उनका x coordinate, y coordinate, z coordinate तीनों change होने वाला है। रैंडम मोशन की बात हो रही है बेटा। द गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, दैट इज दे मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस एक्स वाई जेड इनटू ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर केओस। ओके, सेकेंड स्टूडेंट्स, ड्यू टू देयर रैंडम मोशन the gas molecules constantly collide किसके साथ बेटा? आपस में and container के wall के साथ, right? Due to their random motion the gas molecules constantly collide with each other,
as well as with the walls of the container. But let me tell you, this collision, right? This collision, जिसकी हम बात कर रहे हैं, is a perfectly elastic collision, मैडम. अब थोड़ा हमें 11th का collision का basic आना चाहिए इसमें. Perfectly elastic collision वो होता है बेटा जिसमें there is no loss of kinetic energy during collision. The gas molecules are always in a state of random motion, that is they move in all possible directions with all possible velocities. This state is also called as molecular chaos. Now, due to this random motion, the gas molecule will constantly collide with each other as well as with the walls of the container. But, this collision is a perfectly elastic. That means there is no loss of kinetic energy. There is no loss of kinetic energy during collision. Very important, these two points, students. First and second of random motion. Postulate number 3 related to random motion of gas molecules between two successive collisions. A gas molecule travels in a straight line path between two successive collisions. A gas molecule travels in a straight line path with constant velocity. बेटा इसे एक नाम दिया जाता है, free path. Between two successive collisions, a gas molecule travels in a straight line path with constant velocity, called as free path. बेटा ये देखो, इन दोनों collisions के बीच straight line है motion, translational motion, and velocity भी तो constant है ना. Velocity changes after every collision, direction भी change हो रहा है, magnitude भी change हो रहा है बेटा. मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है आफ्टर कोलिजन. सो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन जो डिस्टेंस है बेटा वो स्ट्रेट लाइन से ट्रेवल हो रहा है ना. इफ वी टॉक अबाउट दिस टोटल, बेटा टोटल कैसा मोशन है, रैंडम मोशन. बट इफ वी टॉक अबाउट बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन राइट, देन इट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन पाथ एंड डेफिनेटली वेलोसिटी विल रिमेन कॉन्स्टेंट. इसे एक नाम दिया जाता है बेटा, फ्री पाथ. So this is one of the free path, right? Another free path. ऐसे कितने free path मिलेंगे बेटा? There will be lot of free paths available. Because the gas molecules are always in a state of random motion. And दूसरी बात बेटा, ये जो collision है वो perfectly elastic है. There is no loss of kinetic energy during collision. मतलब ये जो random motion है ये कभी भी finish होने वाला नहीं है in case of gas molecule. मतलब वी विल बी गेटिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री पाथ्स. एक तो नहीं, हमें बहुत सारे फ्री पाथ मिलेंगे, राइट. सो दिस इज सम डिस्कशन अबाउट फ्री पाथ. फ्री पाथ के ऊपर हमें और डिटेल में पढ़ना है, कुछ समय बाद पढ़ते हैं. अभी हम पढ़ रहे बेटा पोस्टुलेट नंबर 4. ओके, द टाइम टेकन
by the gas molecule for collision is very small as compared to the time taken to cover, or you can say to travel, distance of free path. The time taken by the gas molecule for collision is very small as compared to the time taken to travel free path. This is one of the free path. Let's say molecule ko yahan se wahan travel karne ke liye jo time laga, that time is 0.01 second. Okay. And over here, this gas molecule is colliding with another gas molecule. That collision will last for 0.00000 some second beta. मतलब ये हुआ that the time taken by the gas molecule for collision is very small as compared to that time which is taken to cover a distance of free path. It means this type of collision is touch and go. ऐसा नहीं है कि दो molecule जब collide करेंगे दोनों आपस में stick करके settle हो जाएंगे, ऐसा नहीं है बेटा. This collision is touch and go, touch and go. The time taken by the gas molecule for collision is very small as compared to the time taken to cover a distance equals to free path. Okay? Ye hamare four postulates ho gaye related to random motion of gas molecules. Iske pehle humne padha four postulates related to nature of gas molecules. And जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, हम फ्री पाथ को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. स्टूडेंट्स, कंसीडर अ गैस मॉलिक्यूल ओवर हियर. द गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन. दैट इज दे मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज. हमने ये स्टेट को एक नाम दिया मॉलिक्यूलर केओस. सो मैं यहां पे रैंडम मोशन दिखा देता हूं. इट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. इट अंडरगोस कोलिजन ओवर हियर. इट हैज टू बेटा चेंज इट्स पाथ. यहां पहुंचा कोलिजन, चेंज इट्स पाथ. यहां पहुंचा बेटा कोलिजन, चेंज इट्स पाथ. यहां पहुंचा बेटा कोलिजन, चेंज इट्स पाथ. लाइकवाइज वी कैन शो this n number of times because this type of collision is perfectly elastic. That is, there is no loss of kinetic energy during collision. Okay, so this entire is random motion, that is your zigzag motion, yani Brownian motion. Students, look for this distance. Can't I say this is a straight line path? Humne abhi definition padha free path ka. Between two successive collisions, a gas molecule travels in a straight line path with constant velocity called as free path. So that free path I am going to represent by lambda beta. Jo free path hai use hum lambda se denote karenge. So this is one of the free path beta, lambda 1. This is some other free path, lambda 2. ये कोई और free path hai beta, lambda 3. ये कोई और free path hai, lambda 4. Likewise we get n number of free paths because the gas molecules are always in a state of random motion. So students, हमें बहुत सारे free paths मिल गए, ठीक है. Now the problem is, हमारे पास कोई reference के लिए free path तो है ही नहीं. We need a constant value for reference, right? And over here we are getting different free paths. That is the reason we are going to find out average value, that is mean value of this free path beta. इसे हम नाम देंगे mean free path, जिसको मैं in general lambda से denote करूंगा. First free path is lambda 1, second free path lambda 2, third free path lambda 3,
fourth lambda 4, fifth lambda 5, sixth lambda 6 and so on. Last term mein likhna chahunga students lambda n last term. Okay. So I can say mean free path, जिसे हम लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू, बेटा मीन कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, जितने भी नंबर्स होंगे सबका टोटल फाइंड आउट कर दीजिए एंड यू डिवाइड बाय द टोटल नंबर एन, या फिर आप इसे कह सकते हैं एनओसी, नंबर ऑफ कोलिजन्स. मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल्स टू फर्स्ट फ्री पाथ प्लस सेकेंड फ्री पाथ प्लस थर्ड फ्री पाथ प्लस फोर्थ फ्री पाथ प्लस 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 करते 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 लास्ट वाला फ्री पाथ, द होल अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स, क्योंकि जितने कोलिजन होंगे बेटा उतने तो फ्री पाथ होंगे. लेट्स से देयर आर 2500 कोलिजन्स, सो यू विल बी गेटिंग 2500 वैल्यूज ऑफ फ्री पाथ, राइट? सो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस डॉट 8 प्लस लैम्डा n, मतलब लास्ट वाला फ्री पाथ, the whole upon number of collision will give you mean free path. And for your reference, I will tell you students, mean free path is basically distance. So, iska SI unit will be meter. Okay. Ab, ek formula mujhe aapko dena hai students, mean free path ka in terms of number of molecules, in terms of pressure, in terms of temperature. So, that formula I will tell you, फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ यानी लैम्डा, ये होता है स्टूडेंट्स 1 अपॉन रूट 2 इंटू पाई डी स्क्वायर एन वी. ध्यान से समझना है इसे, लैम्डा डेफिनेटली मीन फ्री पाथ, पाई कांस्टेंट 3.142 रूट 2 बेटा 1.414, डी इज मॉलिक्यूलर डायामीटर. And students, formula mein square hai because lambda is inversely proportional to area na beta. That's why it's diameter ka square. So, jo D hai, usse hum keh rahe hai molecular diameter. NV denotes number of molecules per unit volume. Mean free path lambda is equals to 1 upon root 2 pi D square NV. D is molecular diameter. NV denotes number of molecules per unit volume. हमने हमारे first lecture में ideal gas equation के ऊपर knowledge gain किया था. PV is equals to students होता है nRT. PV is equals to nRT. इसमें क्या आपको capital N दिख रहा है बेटा? नहीं, ये तो small n है. Small n का मतलब होता है number of moles. इसे हम लिखते हैं number of molecules divided by Avogadro's number, that is equals to mass of gas divided by molar mass, that is equals to number of molecules into mass of one molecule of gas the whole upon molar mass. ठीक है ना? And capital R का formula, universal gas constant, capital R होता है Avogadro's number multiplied by Boltzmann constant, right? R is equals to Na into Kb. Students, we'll perform a task now. Small n ko hum yahan se eliminate karenge. Small n ko hum likhenge number of molecules divided by Avogadro's number. Let's do that. So we get PV is equals to nRT tha na beta. स्मॉल n को हम क्या लिख रहे हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर. स्टूडेंट्स पे अटेंशन, r डिवाइड बाय na, r डिवाइड बाय na इज नथिंग बट kb, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू t एज इट इज, लेफ्ट हैंड साइड में pv एज इट इज. एक स्टेप हम और इसे रीअरेंज कर सकते हैं, वी गेट n अपॉन v. स्टूडेंट्स n अपॉन v, n divided by V is equals to P divided by KB into T. This is number of molecules per unit volume. जिसे हम लिख सकते हैं P divided by KBT. Same we can do over here. We get lambda is equals to 1 upon root 2 pi D square. बेटा NV ना? Number of molecules per unit volume for sure.
या फिर हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर। बेटा एन अपॉन वी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कैन बी रिप्लेस बाय प्रेशर डिवाइड बाय केबीटी दैट गोज अप, यू गेट इनटू में केबीटी। ये बेटा ये आपके लैम्डा का फॉर्मूला, आपके मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला। दैट मीन्स लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम वी, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब वॉल्यूम ऑफ द गैस ज्यादा होगा या फिर गैस का टेम्परेचर ज्यादा होगा स्टूडेंट्स, सो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन होगा दैट विल बी लेस ना, ओके। और जब कम टकराएंगे बेटा सो डेफिनेटली जो मीन फ्री पाथ है वो ज्यादा होगा। आई रिपीट, वॉल्यूम ज्यादा होगा या फिर टेम्परेचर ज्यादा होगा सो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन होगा दैट विल बी कंपैरेटिवली लेस। और जब कोलिजन ही कम होगा तो मीन फ्री पाथ ज्यादा होगा, मतलब जब वॉल्यूम ज्यादा होगा या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कोलिजन कम होगा, मतलब मीन फ्री पाथ बेटा ज्यादा होगा, राइट। दैट मीन्स लैम्डा इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वी एंड इवन लैम्डा इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टी। अच्छा प्रेशर की बात आप समझे बेटा, इन केस हमने गैस का प्रेशर जो है वो इंक्रीज किया। अब जब आप गैस का प्रेशर इंक्रीज करोगे सो डेफिनेटली गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में ज्यादा टकराना शुरू कर देंगे, और जब गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा टकराएंगे तो जो मीन फ्री पाथ है उसका वैल्यू कम हो जाएगा। दैट मीन्स लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, राइट। दिस इज अबाउट फ्री पाथ एंड मीन फ्री पाथ। लेट मी गिव some more important formulae to you. Students, recently हमने postulates of kinetic theory of gases पढ़ा। हमने वहां एक point समझा that the gas molecules are always in a state of random motion. That is, they move in all possible directions with all possible velocities. This state is also called as molecular chaos. At this moment, जो line मेरे लिए सबसे ज्यादा important है वो है all possible velocities. Gas molecules का जो velocity है वो vary करने वाला है, but we need certain value for reference. That is the reason हमें velocity related 3 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने हैं जिनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, जिनको हम रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं। फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आउट ऑफ दोज 3 इज एवरेज स्पीड, दैट इज मीन स्पीड। सेकंड, हम सभी गैस मॉलिक्यूल का जो स्पीड होगा उसे स्क्वायर करेंगे, देन हम एवरेज निकालेंगे, हम उसे नाम देंगे मीन। स्क्वायर करना है ना स्टूडेंट स्पीड का, सो मीन स्क्वायर स्पीड। अब यहां जो फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलने वाला है वो तो आसान भाषा में अगर हम बात करें तो स्पीड का स्क्वायर होगा, एंड वी नीड स्पीड, इसीलिए हम ये सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। So we get that third physical quantity. First beta mean speed, second mean square speed, third will be square root of this. Yani root mean square speed. Root mean square speed. Likhne ka tarika hum samjhe students. Mean speed को मैं यहां v से डिनोट करूंगा, सो मीन स्पीड को हम v बार कहते हैं बेटा। बेटा बार मतलब यहां पे कौन सा बार है, ये एवरेज वाला यानी मीन वाला, राइट। मीन स्पीड बेटा, अब मुझे लिखना है मीन स्क्वायर स्पीड, मतलब पहले स्पीड का स्क्वायर करेंगे और फिर उसका मीन निकालेंगे। पहले मीन निकालना है फिर स्क्वायर करना है, ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट्स, पहले स्क्वायर करना है फिर मीन निकालना है। थर्ड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, राइट। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इनकेस आपको ज्यादा ये
स्ट्रेसफुल लग रहा है तो आप सिंपली स्टूडेंट्स वी आर एम एस लिख सकते हो, वी आर एम एस, राइट? आर फॉर रूट, एम फॉर मीन, एस फॉर स्क्वायर और वी एन एस स्पीड. सो आप इसे वी आर एम एस कह सकते हो. ओके, सो वी हैव मीन स्पीड, देन वी हैव मीन स्क्वायर स्पीड, देन वी हैव रूट मीन स्क्वायर स्पीड, सिंपली जिसे हम कह रहे हैं बेटा वी आर एम एस. ओके, अब एक काम करेंगे हम लोग, सबका फॉर्मूला लिखेंगे. मीन स्पीड वी बार स्टूडेंट विल बी इक्वल्स टू स्पीड नंबर वन यानी वी वन प्लस स्पीड नंबर टू वी टू प्लस स्पीड नंबर थ्री वी थ्री प्लस स्पीड नंबर फोर प्लस स्पीड नंबर फाइव एंड सो ऑन अप टू दैट लास्ट वाला, राइट? सो प्लस करके डॉटेड प्लस वी एन द होल अपॉन एन. कैपिटल एन इज डिनोटिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सेकेंड, मीन स्क्वायर स्पीड. मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल्स टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस वी थ्री स्क्वायर प्लस डॉटेड प्लस वी एन स्क्वायर द होल अपॉन एन. बेटा एन का स्क्वायर नहीं करना है, सिर्फ स्पीड का ही स्क्वायर करना है. एन तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो तो एज इट इज रहेगा. ओके, अब मुझे फाइंड आउट करना है वी आर एम एस यानी RMS speed, VRMS. So VRMS will be square root of mean square speed, that is square root of V1 square plus V2 square plus V3 square plus dotted plus VN square the whole upon N. In case you need unit for reference, मीन स्पीड के लिए स्टूडेंट्स ऐसा यूनिट अगर आप फॉलो कर रहे हो तो मीटर पर सेकेंड, मीन स्क्वायर स्पीड के लिए मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड फॉर रूट मीन स्क्वायर स्पीड मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर का हमने स्क्वायर रूट ले लिया, सो हम कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड. ओके, एक एमसीक्यू सॉल्व कर लेते बेटा इसके ऊपर. This MCQ came in MHT CET 2010. The speeds of four gas molecules are 1 kilometer per second, 3 kilometer per second, 5 kilometer per second, and 7 kilometer per second, respectively. Again, the difference between their RMS speed and average speed is how much? Option A 0.583 kilometer per second, B 0.438 kilometer per second, C 0.358 kilometer per second, D 0.683 kilometer per second. Okay, MHT CET 2010 ka MCQ hai ye students. स्पीड दिया हुआ है चार गैस मॉलिक्यूल का, 1 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 किलोमीटर पर सेकेंड, 5 किलोमीटर पर सेकेंड, 7 किलोमीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली, राइट? द डिफरेंस बिटवीन द आरएमएस स्पीड एंड एवरेज स्पीड, डिफरेंस बेटा
माइनस करके देखना पड़ेगा। पहले आपको दो स्पीड सेपरेटली फाइंड आउट करने हैं। आई विल स्टार्ट विद एवरेज स्पीड, वी एवरेज ना बेटा, एवरेज स्पीड, ये वी एवरेज आपका कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स? हियर यू हैव टोटल फोर मॉलिक्यूल्स राइट, यू से इट इज वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी फोर द होल अपॉन फोर। इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए हम थोड़ा स्टेप वाइज करेंगे। इज इक्वल टू बेटा सबको प्लस कर लो, फोर से डिवाइड कर लो, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन कितना होगा बेटा, फोर, ये नाइन और ये सिक्सटीन हो गया, सिक्सटीन अपॉन फोर बेटा, यू विल बी गेटिंग फोर, यूनिट ना बोले किलोमीटर पर सेकेंड। सो हमें मीन स्पीड यानी एवरेज स्पीड मिल गया 4 किलोमीटर पर सेकेंड। अब हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स आरएमएस स्पीड, मैं इसे वी आरएमएस से डिनोट करूंगा। आई विल बी गेटिंग स्क्वायर रूट ऑफ वी वन स्क्वायर, अब सीखा ना हमने स्क्वायर रूट ऑफ वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस वी थ्री स्क्वायर प्लस वी फोर स्क्वायर द होल अपॉन फोर। सो ये हो जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर द होल अपॉन फोर, दैट विल बी स्क्वायर रूट एज इट इज वन प्लस नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस फोर्टी नाइन द होल अपॉन फोर, दैट विल बी स्क्वायर रूट एज इट इज, ओके, यू विल बी गेटिंग 84 द होल अपॉन फोर, दैट विल बी स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 21, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 21, यस, स्क्वायर रूट ऑफ 21, सो स्क्वायर रूट ऑफ 21 हो जाएगा बेटा 4.583, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 21 यू विल बी गेटिंग 4.583, यूनिट विल बी डेफिनेटली किलोमीटर पर सेकेंड राइट। सो हमसे डिफरेंस पूछा गया है, एवरेज स्पीड 4 किलोमीटर पर सेकेंड हमें मिला, वी आर एम एस आर एम एस स्पीड हमें मिला 4.583 किलोमीटर पर सेकेंड, सो द डिफरेंस हैज टू बी 0.583 किलोमीटर पर सेकेंड, इट विल मैच विद इट। Example 3.1 from your textbook, obtain the mean free path, lambda find out karna hai students, mean free path of nitrogen molecule at 0 degree Celsius and 1.0 atmospheric pressure. The molecular diameter of nitrogen is 324 picometer. ब्रैकेट में स्टूडेंट्स बोल रहे हैं अज्यूम दैट द गैस इज आइडियल, फॉर श्योर वी विल अज्यूम दैट कि जो गैस है वो आइडियल गैस है बेटा, ओके, दैट्स इट। ऑब्टेन द मीन फ्री पाथ, सो आवर रिक्वायरमेंट इज लैम्डा, ओके, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल गैस का नाम दिया हुआ है, शायद कम आ जाए, डेटा में हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है, ओके, आगे टेम्परेचर कैपिटल टी 0 degree Celsius, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है ना बेटा कैपिटल टी, सो 0 degree Celsius मतलब 0 प्लस 273, यू विल गेट 273 केल्विन,
एंड प्रेशर पी इज इक्वल्स टू 1.0 एटीएम, दैट इज 1 एटीएम यानी 1.013 इंटू 10 रेज टू 5 बेटा एटीएम है ना, ये आपको चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सो इट हैज टू बी 1 एटीएम यानी 1.013 इंटू 10 रेज टू 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन ओके मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ नाइट्रोजन इज गिवन टू यू 324 बेटा, सो 324 पिकोमीटर यानी स्टूडेंट्स 10 रेज टू -12 मीटर, दिस इज मॉलिक्यूलर डायमीटर जिसका डिनोशन डी स्मॉल डी होता है। ओके सो लैम्डा इज क्वेश्चन मार्क। फॉर मीन फ्री पाथ वी हैव फॉर्मूला फॉर लैम्डा विच इज गिवन बाय 1 अपॉन रूट टू पाई डी स्क्वायर बेटा एन वी, ठीक है ना। व्हाट इज एन वी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसे हम लिख लेते हैं 1 अपॉन रूट टू पाई डी स्क्वायर एन वी बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऊपर। ये फॉर्मूला चलेगा या और एक स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा? और एक स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड प्रेशर डेटा में दिया हुआ है, सो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन बेटा रूट टू पाई डी स्क्वायर एज इट इज, राइट। एन वी यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम लिखते हैं प्रेशर डिवाइड बाई केवीटी, सो केवीटी गोज अप। ओके सो हमें जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है वो है दिस फॉर्मूला, परफेक्ट इन दिस क्वेश्चन। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू केवीटी द होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू पी, लेट सब्स्टिट्यूट दोज वैल्यूज, सो वी गेट लैम्डा इज इक्वल्स टू के बी स्टूडेंट्स बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट 1.38 इंटू 10 रेज टू -23 जूल पर केल्विन, कैपिटल टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर विच इज गिवन 273 केल्विन, द होल अपॉन रूट टू 1.414 इंटू पाई 3.142 इंटू मॉलिक्यूलर डायामीटर का स्क्वायर, वेर इज मॉलिक्यूलर डायामीटर, हियर इट इज 324 बेटा इंटू 10 रेज टू -12, इसका हमें होल स्क्वायर करना है, इंटू पी इज प्रेशर जो दिया हुआ है मुझे 1 एटीएम यानी 1.013 इंटू 10 रेज टू 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है अभी। ओके सो वी सब्स्टिट्यूटेड ऑल द वैल्यूज प्रोवाइडेड टू अस, वी कैन नाउ फाइंड आउट लैम्डा, मीन फ्री पाथ लैम्डा विल बी, यू विल बी गेटिंग एन आंसर विच इज क्वाइट क्लोज टू 8 इंटू 10 रेज टू -8 मीटर। ओके सो वी गेट मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10 रेज टू -8 मीटर।